महिला खुले तौर पर यह आरोप लगा रही है कि उन्होंने अपनी मंत्री पद का इस्तेमाल करके उत्पीड़न का काम किया। मुख्यमंत्री एक कठपुतली मुख्यमंत्री की तरह, एक डमी मुख्यमंत्री की तरह बिहेव कर रहे हैं। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग हरियाणा में लगातार सरकारी स्कूलों को बंद कर रहे हैं। ये सुनियोजित तरीके से ऐसे स्कूलों को बंद करके प्राइवेट शिक्षा का व्यापार चलाना चाहते हैं। आज की जगहों पे कांग्रेस छोड़ो अभियान चला, कांग्रेस जोड़ने का प्रयास करना चाहिए था और उसके बाद भारत जोड़ो यात्रा करते थे। फरीदाबाद में आने वाले समय में होने वाले नगर निगम के चुनाव के मद्देनजर आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय सलाहकार अनुराग ढांडा और हरियाणा के संगठन मंत्री प्रवीण प्रभाकर आज आपके जिला कार्यालय पहुंचे और संगठन को मजबूत करने के लिए पार्टी कार्यकर्ताओं की मीटिंग ली। इस दौरान पत्रकारों से बातचीत करते हुए आपके राष्ट्रीय सलाहकार अनुराग ढांडा ने कहा कि फरीदाबाद में होने वाले नगर निगम चुनाव को आम आदमी पार्टी दिल्ली की तर्ज पर लड़ेगी और जीत हासिल करेगी। साथ ही ढांडा ने कहा कि बीजेपी और कांग्रेस आम आदमी पार्टी को एक दूसरे की बी टीम बताने में लग रहे हैं, लेकिन आम आदमी पार्टी देश की ए पार्टी के रूप में उभर कर सामने आई है। फरीदाबाद नगर निगम के चुनाव बहुत जल्द होने वाले हैं, इसको लेकर के संगठन विस्तार पर चर्चा करने के लिए, संगठन को मजबूत करने के लिए आज यहाँ फरीदाबाद में हम पहुँचे हैं। एक सुनियोजित तरीके से, एक अच्छी योजना बना करके फरीदाबाद नगर निगम में जो लोगों की समस्याएं हैं, एक एक घर तक जाने का प्रयास आम आदमी पार्टी करेगी। एक एक घर तक अरविंद केजरीवाल जी का संदेश पहुंचाएंगे और आम लोगों की जो समस्याएं हैं उस पर फरीदाबाद नगर निगम का चुनाव इस बार हो, ऐसा सुनिश्चित करेंगे, ऐसी कोशिश करेंगे। क्योंकि ये मुद्दों से हटा करके हमेशा उल्टी सीधी चीज़ों पर चुनाव करा करके और लोगों की समस्याएं जस की तस बनाए रखती हैं ये पार्टियां, इनको चुनौती देने के लिए आम आदमी पार्टी अब नए साल में नए विकल्प के रूप में लोगों के बीच में मौजूद है। आम आदमी पार्टी अपनी एक अलग पहचान बना चुकी है। बीजेपी और कांग्रेस दोनों पार्टियां ये कहती रही, बीजेपी कहती थी कि ये कांग्रेस की बी टीम है, कांग्रेस कहती रही आम आदमी पार्टी बीजेपी की बी टीम है, और बी टीम कहते कहते आम आदमी पार्टी देश के कई इलाकों में ए टीम बन चुकी है। दो प्रदेशों में सरकार चला रहे हैं, चार प्रदेशों में हमारे विधायक हैं और नेशनल पार्टी बन करके हम उभरे हैं। ऐसी पार्टी जिसका कोई राजनीतिक इतिहास नहीं, किसी नेता ने वो पार्टी नहीं बनाई, 10 साल पहले एक आम आदमी ने वो पार्टी बनाई और 10 साल के अंदर हम एक नेशनल विकल्प, नेशनल अल्टरनेटिव बन के उभरे हैं। आज लोगों के पास पूरे देश में ये विकल्प है कि अगर वो भारतीय जनता पार्टी के भ्रष्टाचार से परेशान हैं, अगर वो कांग्रेस के परिवारवाद से भ्रष्टाचार से परेशान हैं, तो वो आम आदमी पार्टी को एक विकल्प के रूप में चुन सकते हैं। वहीं मंत्री संदीप सिंह के मुद्दे को लेकर सीएम मनोहर पर ढांडा ने निशाना साधा और उन्हें डमी सीएम करार दिया। ढांडा ने कहा कि जिस तरह के गंभीर आरोप संदीप सिंह पर लगे हैं, ऐसे में उन्हें तुरंत प्रभाव से मंत्री पद से इस्तीफा दे देना चाहिए था, लेकिन मुख्यमंत्री समेत पूरी सरकार इस मुद्दे पर चुप्पी साधे हुए, जो कि शर्मनाक है। मुझे लगता है कि ये सबसे शर्मनाक स्थिति है हमारे लिए कि हमारे मुख्यमंत्री एक कठपुतली मुख्यमंत्री की तरह, एक डमी मुख्यमंत्री की तरह बिहेव कर रहे हैं। कोई मंत्री, मैंने आज तक ये तो सुना था कि मुख्यमंत्री आवंटित करते हैं विभाग मंत्रियों के बीच में कि इसको ये विभाग दिया, इसको ये विभाग दिया, लेकिन मैं पहली बार अपने जीवन में सुन रहा हूँ कि कोई मंत्री मुख्यमंत्री के पास जा करके अपना विभाग उनको कुछ दिन के लिए सौंप करके आ गए कि मैं कुछ दिन इस पर काम नहीं करूँगा और जब इसके बाद जब मुझे लगेगा ठीक तो मैं वापस आपसे विभाग ले लूँगा और इस पर काम करूँगा। मुझे लगता है कि संदीप सिंह को जिस तरीके से उन्होंने जो महिला कोच हैं उनके साथ उत्पीड़न किया, ऐसा आरोप लगा उनके ऊपर, उनको तुरंत प्रभाव से बर्खास्त किया जाना चाहिए और पुलिस को अपने तरीके से कार्रवाई करने की खुली छूट होनी चाहिए। चंडीगढ़ में मामला दर्ज है, वहाँ की पुलिस पूछताछ करे तो कहीं उनका मंत्री पद आड़े ना आए। ये जिम्मेदारी भारतीय जनता पार्टी की है, लेकिन ये देख करके दुख होता है कि जो भारतीय जनता पार्टी कहती थी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, वो भारतीय जनता पार्टी इस पूरे आरोप पर चुप्पी साधे हुए। मुख्यमंत्री चुप हैं, सारे मंत्री चुप हैं, भारतीय जनता पार्टी के सारे नेता चुप हैं। मुझे लगता है कि इससे शर्मनाक कुछ नहीं हो सकता कि मुख्यमंत्री को अपने एक मंत्री की गलत हरकत पर उसको बर्खास्त करने के लिए दिल्ली की तरफ देखना पड़े। हरियाणा की ऐसी स्थिति कभी नहीं थी कि वो उनको दिल्ली के आसरे रहना पड़े और मुख्यमंत्री को पहले दिल्ली आके इजाज़त लेनी पड़े कि मैं क्या किसी मंत्री को हटा सकता हूँ या नहीं हटा सकता हूँ, जबकि एक महिला खुले तौर पर ये आरोप लगा रही है कि उन्होंने अपनी मंत्री पद का इस्तेमाल करके उत्पीड़न का काम किया। वहीं राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा पर भी अनुराग ढांडा ने निशाना साधा और कहा कि जहां जहां से भारत जोड़ो यात्रा होकर गुजरी है उनमें से आधी जगह कांग्रेस जोड़ो अभियान चला है। राहुल गांधी को कांग्रेस जोड़ो अभियान पर काम करना चाहिए था, लेकिन फिर भी वह उन्हें इस यात्रा के लिए शुभकामनाएं देते हैं।
जहां जहां से राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो यात्रा होकर के गुजरी उनमें से आधी जगहों पे कांग्रेस तोड़ो अभियान चला, तो मुझे लगता है कि पहले उनको कांग्रेस जोड़ने का प्रयास करना चाहिए था और उसके बाद भारत जोड़ो यात्रा करते तो ज्यादा सही रहता। हमारी शुभकामनाएं, आगे भी उनकी यात्रा चल रही है। हरियाणा के शिक्षा विभाग पर प्रहार करते हुए ढांडा ने कहा कि फरीदाबाद में एक आरटीआई के दौरान खुलासा हुआ है कि सरकारी स्कूलों के 85,000 बच्चों को अभी तक ड्रेस वितरण नहीं हुआ है, जबकि सेशन खत्म होने में मात्र 3 महीने रह गए हैं, लेकिन इस ठंड के मौसम में अभी तक बच्चों को ड्रेस का वितरण नहीं हुआ और बच्चे बिना ड्रेस स्कूल आने को मजबूर है। ढांडा ने कहा कि प्रदेश सरकार सरकारी स्कूलों को खत्म करने पर तुली हुई है। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग हरियाणा में लगातार सरकारी स्कूलों को बंद कर रहे हैं, उसका असर देखिए क्यों कर रहे हैं। वो उनका असर किस पर पड़ता है? गरीब बच्चों पर पड़ता है, जो गरीब परिवार हैं, जो प्राइवेट स्कूल की फीस नहीं दे सकते, जहां पे टीचर्स नहीं है। अगर आप ध्यान देंगे उन स्कूलों में ज्यादातर गरीब बच्चे पढ़ते हैं। ये सुनियोजित तरीके से ऐसे स्कूलों को बंद करके प्राइवेट शिक्षा का व्यापार चलाना चाहते हैं, जिसका आम आदमी पार्टी पुरजोर विरोध करती है। हरियाणा के अंदर इन्होंने 105 स्कूल पहले भी बंद किए थे। ये पहले वहां से शिक्षक हटाते हैं, फिर उसके बाद जब बच्चे आना बंद हो जाते हैं तो बोलते हैं बच्चे नहीं है, अब इस स्कूल को बंद कर देना चाहिए। तो मुझे लगता है ये सुनियोजित तरीके से धीरे धीरे सरकारी शिक्षा के ढांचे को खत्म करने का प्रयास किया जा रहा है, जिसका हम पुरजोर विरोध करते हैं। इसके लिए जो भी कदम उठाना पड़ेगा, जिस भी स्तर तक जाना पड़ेगा। फरीदाबाद में नगर निगम चुनाव होने वाले हैं, ऐसे में सियासी दलों के बड़े नेताओं का आने वाले दिनों में फरीदाबाद आना जाना और आरोप प्रत्यारोप लगाने का दौर और तेज हो जाएगा। पंजाब केसरी टीवी के लिए फरीदाबाद से सुधीर शर्मा की रिपोर्ट।